हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, अपने घर में मस्त होंगे। मैं मस्त हूँ। आज की ब्लॉगिंग अब ये रात से इसलिए स्टार्ट हो रही है क्योंकि मैं अगर दो ब्लॉग एक साथ डालूंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये जागरण का ब्लॉग मैं आपके लिए अलग से डालूंगी अगले दिन। और मैं जा रही हूँ मंदिर के जागरण में, मैंने आपको बताया होगा अपने पिछले ब्लॉग में। और यहाँ पर हस्बैंड जी भी हैं मेरे साथ। अभी हम दोनों काले आ रहे हैं तो हम आगे वीडियो शूट करेंगे। मंदिर थोड़ा सा दूरी है हमारे घर से और मंदिर में सजा है बहुत ही सुंदर पंडाल। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जाके। देखो गाइस, पंडाल में आए हनुमान जी पूंछ उठा के। देखो बालाजी के दर्शन तो पहले ही हो गए। देखो गाइस, जैसे पंडाल के पास पहुंची हनुमान जी के दर्शन हो गए। देखो गाइस, माता रानी का पंडाल पहुंच गए। देखो गाइस, यहाँ पे मैं आई हूँ बहुत ही सही समय पे और यहाँ पे माता की ज्योति प्रज्वलित हो रही है, जो कि कर रहे हैं हमारे जजमान जिन्होंने जागरण की व्यवस्था कर दी। सच्ची मेरी सदियां जूता वाली माता तेरी सराही जय। जागरण अर्दास करनी अर्दास कर ले जो तो अर्दास हो चुका है। महावीर आरती की अदा मुझे सुंदर राधे बाद कुमार की अदा मुझे सुंदर राधे पूरे परिवार की अदा मुझे सुंदर राधे महाराज की जय। देखो भगवान गणेश आ गए, सबको सबसे पहले टू देंगे, ठीक है, रास्ता बना दो इनके आने जाने के लिए, ठीक है। ऐसे ही सुंदर सुंदर स्वरूपों का दर्शन सर्वानंद विशाल दुर्गा जागरण मंडल के द्वारा सुंदर सुंदर भगवान के स्वरूपों का दर्शन आप लोग करने को मिलेगा। तो मीठी मीठी ताली बजाते भगवान गणेश को मनाकर कहेंगे क्या? Thank you.
जरूरत है तुम्हारी। मैया खो गई थी, आ गई मैया, टेंशन ना गई। जय हो, जय हो। चलो ये मिल गई एक बार दोनों हाथ अपनी सरस्वती मैया की। अब इनके मिलने की खुशी में तो जय बोल दो सरस्वती मैया की। अब ये खो गई क्या, मिलने सरस्वती मैया की और कहेंगे क्या, शारदे जैसा कि पंडित जी ने बताया कि जगराते में चार अवतार होती हैं, पहली दूध की अरदास, दूध की अरदास, तीसरी महारानी, चौथी विजय की अरदास। आइए आप लोग अरदास। धीरे चला रे तोड़ दो
वाले चोरी खबर का खबर वाले इस बार देखे जिला भरे सोबार देखो जी करे जोड़ा में आ चुके हैं झांकियों का जवाब दे रहे आए पर कई कथा दी
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति भाई हनुमान जी, बहुत आनंद भरा सॉन्ग रहा हनुमान जी का। यहाँ पे हनुमान जी का तिलक हो रहा है। अरे हैं भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण बालाजी, आइए जिन भक्तों ने तिलक करना है, आइए, दो मिनट का समय है। जिन माता बहनों को तिलक करना है जल्दी करें, शीघ्रता करें और संकोच ना करें। कहते हैं कि इस कलयुग में जो भगवान राम का नाम लेते हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं होता, क्योंकि उनके साथ ये बालाजी दरबार बालाजी योग बैठे हुए हैं, ये रक्षा करते हैं। इसलिए जिन्हें भी तिलक करना है दो मिनट का समय है, जल्दी तिलक करें और इन्हें विदा करें यहाँ से। और हमारे मंडल के जितने भी साथी कलाकार हैं मेरी आवाज़ सुने हैं, अमित भैया जी, श्री राम। देखो गाइस, अब चाय मिल रही है रात को 1:10 में जागरण में। चाय के बेटे वाले स्वामी लाडी जी भोजन करेंगे, उसके बाद भी सुबह फिर शाम तक करेंगे। चाय पी लो, आके हमारे साथ है। मेरी मम्मी देखो हमारी सहेलियाँ पी रही है चाय, इधर देखो चाय दिखाओ, चाय ऐसे चाय चाय की पोस्ट खेल ले, गोल करके ऐसे गोल करके गोल। देखिए हाथ उठाने के और ताली बजाने के बहुत फायदे हैं, शायद पिछली बार भी आपके बताती गई थी। किसी किसी याद है कौन कौन से फायदे होते ताली बजाने तो मना रहे हैं, सीधे हाथ खोल के और तालियों की सेवा के साथ मिलकर मिलके बनाते दरबार में। आंटी जी लड़ाई हो गई क्या? बड़ी शांत से बैठी हो। देखिए अभी नवरात्रि चल रहे थे तो हम लोग क्या करते हैं, नौ
आजू पे आजू बहाने कौन आता है। अरे कुछ तो करिश्मा है इस पत्थर की मूरत में, कि कुछ तो करिश्मा है इस पत्थर की मूरत में, वरना खाने का सर को झुकाने कौन आता है, कौन आता है। सच्चाई है या नहीं है? सभी लोग इतनी ऊंची ऊंची चढ़ाई करके माँ वैष्णो देवी जाते, पूर्णागिरी धाम जाते हैं। अच्छा माँ वैष्णो देवी धाम कौन कौन क्या है? अभी हम तो नहीं है भैया। अच्छा माता पूर्णागिरी धाम कौन कौन क्या है? सभी गए हैं। भाई जो माता वैष्णो देवी धाम जाना चाहते हैं, मिलके जब भी हम चढ़ाई करते तो क्या कहते हुए करते हैं? बहुत ज्यादा प्रेम से बोलो ¡Gracias!